के प्रणाम। हमार नाम जमाल खान बा। देखी भैया एगो पिक्चर मिलल बा करत हानी, मोना लिसा के शूटिंग चलत है, राहुल लोग तो देखते बाड़े, गाना वाना बहुत बढ़िया है। बाकी भैया सब तो रही लोग इनको उम्मीद बा, वो लोग कहे ला कि तकदीर ऊपर वाला बनावेल है, लेकिन हमार माने एक बात बा ई भैया कि फिल्म लाइन में रउआ लोग बनावे ले तकदीर चाहिए भैया बना दे हमरों के। क्या कर रहा है इसमें, किस तरह का ये ऐसा है कि इसमें दो हीरो की कहानी है, एक होता है कि नाव का लड़का होता है और एक धोबी का लड़का होता है। तो जैसे कि श्याम भाई थे तो वो नाव के लड़के का रोल कर रहे हैं, मैं धोबी का लड़के का रोल कर रहा हूँ। तो गांव में होता है कि एक लफुआ नहीं होता कि गांव का जो सबसे बिगड़ा है लड़का, तो उसको गाँव से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद में वो लोग आते हैं बॉम्बे, बॉम्बे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कैसे कैसे स्ट्रगल होता है भगवान ही जाने, फिर बताएंगे बाद में। तो इस तरीके से स्ट्रगल करके स्टार बनते हैं, फिल्म में इस तरीके का कैरेक्टर है। बाकी तो फिल्म में तो बनने वाली भैया स्टार रहुआ लोग कुछ ध्यान दी, स्टार बने के बाद हम जैसे दिनेश भगवान खेसारी के इतना प्यार दे भैया हमारा तो ध्यान दा। और कौन कौन सी फिल्म आपने किया है? किया तो छोटे छोटे रोल में बहुत सारी फिल्में किया, जैसे कि अभी फिलहाल में रिलीज हुई थी फर्ज, रामाशंकर जी ने फर्ज को डायरेक्शन किया था, दीपक जैन जी प्रोड्यूसर थे। तो अभी तो बड़ी दुखदायक खबर है कि रामाशंकर जी इस दुनिया में रहे नहीं, पर उनको हमारी तरफ से भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में जगह दे। और हमने जगदीश शर्मा जी के साथ में पिक्चर किया है कर्जा माटी के, विराट भट जी हैं उसमें, एक पुलिस इंस्पेक्टर का करेक्टर था, जैसे कि फर्ज में भी लाइक सेकंड हीरो के जैसा एक पुलिस इंस्पेक्टर का ही करेक्टर था, पर उसमें गाने वाने नहीं थे इसमें। तो खैर भोजपुरी में कोई गाना पसंद है? भोजपुरी में गाना तो पसंद है, कोई गाना गुनगुनाइए। गाना गुनगुनाए तो कौन सा गाना गुनगुना, अपने पिक्चर का गाना गुनगुना दे। आज खाए न देबू काट के तोरा खासु लेसन साट के, आज खाए न देबू काट के तोरा खासु लेसन साट के। बस देखा भैया चाहता नहीं कि हिट हो जाएगा ना, बहुत पसंद आई, देखिए जरूर। थैंक यू। और बस आशीर्वाद दी भैया, बाकी नमस्कार, देखिए भैया हमनियों के।